वेलकम टू द पाठशाला। आज से हमारे एसएससी सीजीएल टीयर टू की क्लासेस स्टार्ट हो रही है और ये जो क्लासेस है वो इंग्लिश की क्लासेस होगी। ये आपको 2 बजे मिल रही होगी। आज का जो होगा वो हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा। आप में से जो 2018 की तैयारी कर रहे हैं वो ये जान लीजिए कि आपकी क्लासेज है वो 15 सेप्टेम्बर से स्टार्ट होगी। ये क्लासेज जो है 2017 के टीयर सेकेंड में जो अपियर होने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए हैं। आप लोग ये क्लासेज अटेंड कर सकते हैं, जब तक आप फ्री बैठे हैं तब तक आप ये क्लास देख सकते हैं। और ये चीज़ है जो बेसिक्स है, आपको काम आएगी तो आप ये क्लासेस कर सकते हैं। अब बात करें जैसे कि हमारा इंग्लिश का जो ये टीयर सेकंड के क्लासेस है, तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि हमारे जो मार्क्स होते हैं वो 200 मार्क्स होते हैं। तो अभी तक हम बात कर रहे थे कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, 170 से ज़्यादा स्कोर करे, 160 से ज़्यादा स्कोर करे। लेकिन अब जब क्लास स्टार्ट हो रही है तो मैं एक चीज़ आपको ये बता दूँ कि आपको अपने अंदर एक चीज़ ये टारगेट करना होगा कि जो हमारा एफर्ट है वो 100% होना चाहिए। मार्क्स कितना आए उससे मतलब मत रखिए, एफर्ट जो है वो आप 100% डालिए और जो आपकी स्ट्रेटजी हो वो बहुत सॉलिड होनी चाहिए। और एक और फैक्टर होता है जो आपको कंसिडर करना होगा, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी आपकी 100% होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि 5 क्लासेस हमारी वीक की है तो आप 3 क्लास ले पा रहे हो, 2 क्लास भी छोड़ के पीछे ले जा रहे हो, फिर 3 क्लास इधर ले रहे हो, फिर ऐसे कर रहे हो। ऐसे आपकी कंसिस्टेंसी अगर 100% नहीं रहेगी तो आप इतना सॉलिड स्कोर नहीं कर पाओगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट की फैक्ट होता है जिससे हम स्कोर करते हैं। माइंड वाइंड का कोई लोचा जो है यहाँ पे नहीं चलता है। यहाँ पे जो चलता है वो सिर्फ जो है एफर्ट और कंसिस्टेंसी का पंगा चलता है। अगर आप हर रोज़ पढ़ोगे, हर लेक्चर देखोगे तो आप हर सारी चीज़ जो कुछ भी आता है, क्योंकि हम अपनी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ेंगे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है और हम आपको ना पढ़ाएं। तो अगर आपने सारे लेक्चर्स रेगुलर देखे, सेम टाइम पे देखे, तो एक बात जान के जाइए, इस बार आपको 170 से ज़्यादा स्कोर करने में कोई रोक नहीं सकता। इस बार आपका 170 मार्क्स पक्का होगा। चलिए बात करते हैं अब कि हम इन सारी चीज़ों को करेंगे कैसे। सबसे पहले तो आपके पास एक टू डू लिस्ट होना चाहिए। टू डू लिस्ट इंग्लिश जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए एक इस तरीके का लिस्ट होना चाहिए कि एक हाई प्रायोरिटी, एक मीडियम प्रायोरिटी, एक लो प्रायोरिटी, इसकी आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बनाया हुआ है, जो मेरे हिसाब से एग्ज़ाम में आप लोगों के पास लिस्ट होनी चाहिए वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। जो सिनोनिम्स है, जो एंटोनिम्स है, जो स्पेल चेक है, ये 9 मार्क्स का आता है। और इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ भी लो तो हो सकता है कि आप 6 क्वेश्चन कर पाओ, कहो कम पढ़ो तो भी कहो पूरे के पूरे क्वेश्चन कर लो। तो इसमें आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके भी कुछ नहीं कर सकते हो। जो मीडियम प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड वर्ड ईडियम फ्रेजेज आता है। ये आप लोगों ने ऑलमोस्ट लगभग कर ही रखे होंगे, प्रीवियस ईयर के थोड़े बहुत इधर उधर जितनी बुक में मिलती है लगभग आपने कर रखे होंगे। कॉम्प्रिहेंशन सबने लगभग सॉल्व कर रखा है, लेकिन मीडियम प्रायोरिटी में इसलिए रखना होगा क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, 30 नंबर के आते हैं। तो हमसे जो स्कोर होता है वो 25 के आसपास होता है, 20 से 25 के आसपास। लेकिन 25 से 30 के आसपास स्कोर करने के लिए आपको इस पर रेगुलर प्रैक्टिस और इनका रेगुलर रिवीजन रखना होगा, और थोड़े बहुत जो वर्ड नए मिल रहे होंगे उनको आपको ऐड करते रहना पड़ा होगा। तो ये मीडियम प्रायोरिटी में आपको इसको रखना होगा। जो हाई प्रायोरिटी है उसमें आपका क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इरर फाइंडिंग, प्रीपोजिशन चार्ट, फ्रेजल वर्ब, होमोफोन्स होना चाहिए। मैंने इसमें बताया था कि इन चार को ही मिला के 92 मार्क्स के आते हैं। और ये प्रीपोजिशन चार्ट, फ्रेजल वर्ब, होमोफोन्स, ये इनडायरेक्टली इनको हेल्प करते हैं। तो आपको क्या करना होगा, इन पे पकड़ बनानी होगी। अगर आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इरर फाइंडिंग के क्वेश्चन अच्छे से करना चाहते हो, क्लोज टेस्ट अच्छे से करना चाहते हो, तो आपको प्रीपोजिशन चार्ट, फ्रेजल वर्ब और होमोफोन्स पे एकदम सॉलिड पकड़ होना चाहिए, तभी आप ये 92 मार्क्स में 85 प्लस मार्क्स निकाल पाओगे। तो आपकी हाई प्रायोरिटी लिस्ट पे होना चाहिए। और ये मैं आपको शाम के लेक्चर में ये चार के चारों पोर्शन लगातार हर रोज़ प्रैक्टिस कराता रहूँगा, ताकि आप 60-65 क्लासेस अगर लगातार प्रैक्टिस कर जाओ तो आपको कुछ भी ऐसा देखा हुआ एग्ज़ाम में ना मिले कि अच्छा ये नया है, हमने नहीं पढ़ा हुआ था, देन आपको सारा का सारा मिल जाए और आपको हर रूल्स देखते हुए पता चल जाए कि यहाँ पे गलती है, यहाँ पे इस जो है पैराजम्बल को इस तरीके से सफलिंग की गई है, यहाँ पे ये कनेक्टर लगा हुआ है तो इस कनेक्टर को जोड़ के ये प्लस ये करके सेंटेंस बना लेंगे। तो ये वो चीज़ें आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाए, तो ये सारा का सारा हम प्रैक्टिस कराएंगे। अब चलिए बात करते हैं कि हम अपनी शुरुआत कहाँ से करने वाले हैं। जो हम अपनी शुरुआत करेंगे वो हम करेंगे कॉम्प्रिहेंशन से। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्रिहेंशन। ये मैंने इसलिए टॉपिक सबसे पहले चुना क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक है, आपको सिर्फ समझना पड़ेगा कि कॉम्प्रिहेंशन कितने टाइप की जो है एसएससी पूछती है।
जो फैक्ट आज हम कवर करने वाले हैं वो ये है कि पैसेज कितने टाइप का होता है और क्या स्ट्रेटजी, क्या अप्रोच हमको एडॉप्ट करना चाहिए जिससे हम उन पैसेज को आसानी से टैकल कर सके, सारे के सारे स्कोर कर सके। और मैं आपको हर रोज़ एक होमवर्क टाइप का दूंगा, जैसे आप कंप्रिहेंशन कर रहे हैं तो कंप्रिहेंशन में मैं दो पैसेज दूंगा जिसको आपको सॉल्व करना है। इसका PDF इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप की लिंक में डाला हुआ मिलेगा, आपको ग्रुप में जाना है, वहाँ से डाउनलोड करना, अटैम्प्ट करना है। और ग्रुप का जो लिंक है, नाम है फाइट फॉर टॉप 500 पोस्ट इन SSC सीजल 2017। तो ये जो है और किसी ग्रुप में आपको जो है नहीं सेंड की जाएगी, इसी ग्रुप में सेंड की जाएगी। तो इंग्लिश का जो है ग्रुप अलग है, मैथ का ग्रुप अलग है, तो आप मैथ के ग्रुप में आपको मैथ का जो है PDF मिलेगा और इंग्लिश के ग्रुप में इंग्लिश का PDF मिलेगा। तो आपको ये ग्रुप ज्वाइन करना है। अब चलिए बात करते हैं कि जो कम्प्रिहेंशन है वो कितने टाइप का पूछा जाता है और हम किस तरीके से उसको टैकल करें ताकि हम सारे के सारे नंबर निकाल सकें। जो कम्प्रिहेंशन है हमारा वो चार टाइप के होते हैं, Type 1, Type 2, Type 3 एंड Type 4। तो हम सबसे पहले बात करते हैं Type 1 की। जो Type 1 होता है ये सबसे इजी पैसेज होता है, ये इजी पैसेज होता है, टाइम इसमें आप बहुत ज़्यादा सेव कर सकते हो और 100% इसमें स्कोर कर सकते हो। इस तरीके का पैसेज जब आता है तो आपको करना क्या होता है, पहले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको आपको उसको रीड करना होता है। क्वेश्चन पहले इसलिए हम रीड करते हैं क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर वन बाय वन दिए रहते हैं। जैसे आपका पैसेज है यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, तो आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो पहले क्वेश्चन का जवाब आपको पैसेज के ऊपर वाले पार्ट में मिलेगा और दूसरे वाले क्वेश्चन का जवाब आपको दूसरे पार्ट में मिलेगा और तीसरे वाले क्वेश्चन का तीसरा, इसलिए सीक्वेंस वाइज रहता है। तो अगर एक बार आपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो आसानी से आप दे लोगे। तो इसमें जैसे पाँच अगर क्वेश्चन आते हैं तो 5 आउट ऑफ 5 स्कोर करना बहुत आसान होता है। इसमें ये जो है Type 1, ये कभी कभी और टफ बना दिया जाता है जब ये सफल कर दिया जाता है। जैसे सपोज कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है और इसको आपको मिडिल में इसका कहीं से मिला कि मिडिल में आपको डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है, तो ऐसे में क्या होता है ना कि टाइम सेव करने के लिए आपको कीवर्ड पे ध्यान देना रहता है कि इस क्वेश्चन में कीवर्ड क्या है। वो कीवर्ड आपको पैसेज में, एक बार आपको पैसेज क्वेश्चन पढ़ लिया फिर पैसेज रीड कर रहे हो तो कीवर्ड आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये क्वेश्चन का कीवर्ड यहाँ पे है, तो उस हिसाब से आप टिक मार सकते हो। तो Type 1 जो है वो होता है जो डायरेक्ट आपको आंसर मिलता है और 100% स्कोरिंग होता है। इसमें Level 1 और Level 2 दो तरीके का होता है। Level 1 बिल्कुल आसान होता है, क्वेश्चन पढ़ो और पहले पैराग्राफ के पहले सेंटेंस में जो दिया रहता है शायद उसी में आपको पहले क्वेश्चन का जवाब मिल जाए, नहीं तो दूसरे सेंटेंस में मिल जाएगा। तो इस तरीके से ऑर्डर रहता है। और इसको थोड़ा सा टफ करने के लिए क्या किया जाता है कि इसको सफल कर दिया जाता है कि क्वेश्चन जैसे पांचवें क्वेश्चन का पहले में दे दिया जाए, तीसरे का जो है लास्ट में दे दिया जाए, तो सफल कर दिया जाता है। तो जब सफलिंग हुआ करती है तब उसमें क्या होता है कि हमको की वर्ड के थ्रू जो है वो पैसेज हल करना होता है। जो Type 2 होती है ये टाइप ऐसा होता है जो हमारे स्कोर सबसे ज़्यादा जो है कम करता है। इसमें क्या होता है कि जैसे दो या फिर तीन क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन में, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन पूछा गया और ऑप्शन में आपका दूसरा तीसरा और चौथा, ये जो आंसर है इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि आपको लगे ना कि दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। तो जब इस तरीके से 2, 3, 4 में आपको कन्फ्यूजन होने लगे, मतलब सिमिलर टाइप का ऑप्शंस मिले, तो आपकी टेंडेंसी जो इरर करने की होती है वो बढ़ जाती है। तो इसके लिए क्या करना होता है, आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी होती है। आप अब इतना ग्रामर पढ़ रहे हो, रूल्स पढ़ रहे हो, क्लोज टेस्ट पढ़ रहे हो, पैराजम्बल पढ़ रहे हो, साथ में जो है कम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो टाइम के साथ आपको 2 महीने में ये चीज़ आ जाएगी। जैसे आप आज अगर पैसेज अटैम्प करते हो तो शायद 2 क्वेश्चन निकाल पाओ, 3 क्वेश्चन निकाल पाओ, लेकिन अगर आप 60 दिन अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे, तो आपको टाइम के साथ ये जो चीज़ें हैं आ जाएगी, आप एक्सपर्ट बन जाओगे। तो आपको इस पर टेंशन नहीं लेना है। तो हमारा जो फोकस होगा वो Type 2 होगा। अब बात करें Type 3 की, Type 3 किस तरीके का पैसेज आता है। Type 3 होता है जिसमें हिडन मीनिंग होती है। हिडन मीनिंग होती है, इसके हिडन मीनिंग को आपको समझना होता है। इसमें एक चीज़ और होती है, जो ऑथर होता है ऑथर के मूड को भी आपको समझना होता है, उसके टोन को भी समझना होता है, क्योंकि जो क्वेश्चन डिज़ाइन किया जाता है वो ऑथर के मूड और टोन को भी लेके डिज़ाइन किया जाता है कि ऑथर क्या सोच रहा होगा इस तरीके से। तो इस तरीके के पैसेज को करने के लिए पहले आपको पैसेज को पूरा पढ़ना होता है, उसके टोन को समझना होता है, ऑथर के टोन को समझना होता है, उसके मूड को समझना होता है, फिर ही आप इस जो है तरीके के पैसेज के क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे सही तरीके से। तो इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जो Type 4 होता है, ऐसे पैसेज में आपको एक टेबल बनानी होती है। तो आज जो हम करने वाले हैं वो Type 1 और Type 2 कवर करेंगे, इसके नेक्स्ट लेक्चर में Type 3, Type 4 कवर करेंगे, क्योंकि हमारा जो फोकस जोन होगा Type 1, इसलिए हम कवर कर दे रहे हैं क्योंकि कुछ पैसेज हम आपके साथ प्रैक्टिस कर दे रहे हैं। उसके बाद जो मेन फोकस एरिया मेरा होगा पर्सनली वो Type 2, Type 3, Type 4 पे होगा, क्योंकि Type 1 आप आसानी से स्कोर कर सकते हो, Type 2, Type 3, Type 4 यही हमारे मार्क्स खराब होते हैं जो हम 100% नहीं कर पाते। तो वो हम देखेंगे कि 2, 3, 4 क्वेश्चन जो हमारे गलत हो जाते हैं वो क्यों गलत होते हैं। तो हम लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे जिससे हम ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर जाए। तो चलिए बात करते हैं Type 1 की। ये हमारा पैसेज 1 है
और टाइप वन लेवल वन पे बेस्ड है। जैसा कि मैंने बताया था कि टाइप वन लेवल वन पे जो है बेस्ड जो पैसेज आते हैं उनमें हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, इससे क्या होता है कि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। तो चलिए ऐसा करके यहाँ पे चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन हमारा दिया हुआ है, व्हाट कॉज एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का कारण क्या है, क्या रीज़न है, ये हमको बताना है। क्वेश्चन हमें बहुत आसानी से समझ में आ रहा है और पहले ही क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आ गया कि जो पैसेज हमारा वो अर्थक्वेक पे बेस्ड है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ रिवर, किस वजह से जो है रिवर का जो है डायरेक्शन चेंज होता है, दूसरा क्वेश्चन ये है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू अर्थक्वेक्स बीनीथ द ओशियन क्रिएट, जो ओशियन के नीचे जो अर्थक्वेक हमारा है वो क्या क्रिएट करता है, तीसरे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। चौथा क्वेश्चन जो है, व्हाट कॉज द डेथ ऑफ पीपल ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के दौरान जो है लोगों की जो मौत होती है वो क्यों होती है, उसका कारण पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, द फोर्स ऑफ एन अर्थक्वेक डिपेंड ऑन व्हाट, जो अर्थक्वेक का फोर्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है। तो पांच क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा साफ साफ कि क्वेश्चन इस तरीके से हैं कि अगर आप पैसेज पढ़ो तो एक बार में कहीं ना कहीं जवाब मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं इसके बाद, अब पैसेज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अर्थक्वेक इज ए शेकिंग ऑफ द ग्राउंड कॉज्ड बाई सडन ब्रेकिंग एंड शिफ्टिंग ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ द अर्थ रॉकी आउटर सेल। देखिए पहले जो है क्वेश्चन में यही पूछा गया था अर्थक्वेक का कारण क्या है, और यहाँ पे सीधा लिखा है कॉज्ड बाई सडन ब्रेकिंग एंड शिफ्टिंग ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ अर्थ रॉकी आउटर सेल। बस आपको यही ऑप्शन में ढूंढना है। अब देखिए चौथे पार्ट में यही दिया हुआ है, मूवमेंट ऑफ द अर्थ रॉकी आउटर सेल। तो इस तरीके का जो पैसेज होता है बहुत इजी होता है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं खर्च करना होता है। क्वेश्चन पढ़ो और पैसेज उसके बाद जैसे ही पढ़ना स्टार्ट करोगे आपको वन बाय वन ऑप्शन में मिल जाएगा जवाब। तो आपको ऑप्शन में जवाब टिक करते रहना है, टाइम बचाना है और निकल जाना है। दूसरा क्वेश्चन जैसे इसके आगे पढ़ेंगे, रॉक मूवमेंट्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक कैन मेक रिवर चेंजेस दियर कोर्स। दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि रिवर का जो पाथ होता है वो कैसे चेंज होता है, क्या कारण है उसका। तो रॉक मूवमेंट यहाँ पे दिया हुआ था, रॉक मूवमेंट ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के दौरान जो रॉक का मूवमेंट होता है उसकी वजह से रिवर का जो है डायरेक्शन वो है वो शिफ्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो मूवमेंट ऑफ रॉक्स ये आपके बी पार्ट में दिया हुआ है, ऑप्शन होगा आपका, टिक करके निकल जाओगे। नेक्स्ट है, अर्थक्वेक कैन ट्रिगर लैंडस्लाइड दैट कॉज ग्रेट डैमेज एंड लॉस ऑफ लाइफ, लार्ज अर्थक्वेक्स बीनीथ द ओशियन कैन क्रिएट ए सीरीज ऑफ ह्यूज डिस्ट्रक्टिव वेव कॉल सुनामीज। यहाँ पे तीसरे में ये पूछा गया था कि अर्थक्वेक जो है क्या करता है ओशियन के नीचे, क्या क्रिएट करता है, तो सुनामीज क्रिएट करता है। तो ऑप्शन आपको फर्स्ट यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है, अर्थक्वेक्स यूजली नेवर किल पीपल डायरेक्टली, इंस्टीड मेनी डेथ्स एंड इंजरीज रिजल्ट फ्रॉम फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स एंड द कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अर्थक्वेक क्या होता है, डायरेक्टली आदमी को किल नहीं करता है, जो पर्सन प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे जो डेथ होती है उसका मेन रीज़न होता है जो बिल्डिंग वगैरह कोलैप्स होती है वो होती है। तो यहाँ पे आपको जाके ऑप्शन में चेक करना है कि क्यों लोग मरते हैं। यहाँ पे फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स एंड कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर, ये आपका ऑप्शन है, यहाँ टिक करोगे आप निकल जाओगे। फिर नेक्स्ट है, द फोर्स ऑफ एन अर्थक्वेक डिपेंड ऑन हाउ मच रॉक ब्रेक्स एंड हाउ फार इट शिफ्ट। अब यहाँ पे फोर्स ही पूछा था कि अर्थक्वेक का फोर्स क्या है, यहाँ पे आप शिफ्टिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स आसानी से आप टिक मारोगे और आगे निकल जाओगे। तो इस तरीके के पैसेज में पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे पैसेज रीडिंग करते जाते हैं, फिर मिल जाता है। अगर यही क्वेश्चन जो है चेंज कर दिया जाए, जैसे कि ऑर्डर में ना हो कि पहले पार्ट में ना मिले दूसरे पार्ट में ना मिले, तो अब हम क्या करेंगे कि अर्थक्वेक कॉज्ड एन अर्थक्वेक आपका कीवर्ड होगा वो हम पैसेज में ढूंढेंगे। ये आपका लेवल टू होगा, जो अभी नेक्स्ट जो है पैसेज डिस्कस करेंगे वो इसी पे, लेकिन यहीं पे थोड़ा सा समझ लीजिए डायरेक्शन कीवर्ड कैसे क्वेश्चन में देखते हैं। डायरेक्शन ऑफ रिवर्स चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ रिवर्स, ये आपका कीवर्ड होगा, ये आपको पूरा पैसेज पढ़ के देखना होगा कहां पे होगा, उसी वाले सेक्शन में आपको ऑप्शंस मिलेगा। व्हाट डू अर्थक्वेक बीनीथ द ओशियन क्रिएट, ओशियन क्रिएट ये आपका कीवर्ड है, कीवर्ड भी आप समझते चलिए कि किस तरीके के क्वेश्चन में आप कीवर्ड समझते हैं। अब व्हाट कॉजेज द डेथ, कॉजेज द डेथ ऑफ पीपुल, ये आपका कीवर्ड है, ड्यूरिंग अर्थक्वेक ये एक नहीं है, कॉजेज द डेथ ऑफ पीपुल ये आपका कीवर्ड है। तो कीवर्ड भी आपको समझना पड़ेगा ढूंढने के लिए, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट होते हैं वो कीवर्ड ही नहीं समझ में आते हैं कि जो आपका क्वेश्चन पूछा गया उसमें कीवर्ड क्या है। हम बोल तो दे आपको कीवर्ड ढूंढ लीजिए, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि कीवर्ड कौन सा ढूंढना है। द फोर्स ऑफ एन अर्थक्विक ये आपका यहाँ पे कीवर्ड है। तो इस तरीके से अगर मान लो सफल भी कर दिया जाए इस पैसेज को तो आप कर सकते हो। तो चलिए पैसेज टू देखते हैं। पैसेज टू कुछ इस तरीके से है हमारा। अब अगर आप इसको पढ़ोगे ना तो बड़ा सा अटपटा लगेगा, अगर मैं भी बोलूँ कि मैं इसको अगर पढ़ूँ तो मुझे एक बार में इसका मीनिंग समझ में नहीं आएगा, मुझे एक से दो बार पढ़ना पड़ेगा। एट फर्स्ट साइट साइलेंस वुड सीम टू बी द सेंस ऑफ नॉन कम्युनिकेशन। फिर जैसे ही आप आगे पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि मीनिंग समझ में नहीं आ रहा, आप एक बार से दो बार पैसेज पढ़ना स्टार्ट करोगे। और यही क्या करते हैं कि हम गलती करते हैं, हमको इस तरीके के पैसेज की मीनिंग अगर पढ़ना है तो हम पहले टाइप देख लेते हैं किस टाइप का है। अगर ऐसा टाइप है कि हमें मीनिंग समझने की जरूरत है तभी हम पैसेज पढ़ेंगे, अदरवाइज क्या
क्या होगा कि हम इस तरीके के पैसेज में कीवर्ड के थ्रू अपना जो है सोल्यूशन निकालेंगे और चले जाएंगे। जरूरी नहीं है आपको एग्जाम में पूरा पैसेज समझो और फिर ही करो, कुछ पैसेज ऐसे आते हैं जिसमें कीवर्ड के थ्रू भी किए जाते हैं, ये उसी में एक वैरायटी है। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि फॉर द लिसनर साइलेंस कैन। जैसे ही आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे कि फॉर द लिसनर साइलेंस कैन, तो आपको यहाँ पे ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो सेंटेंस है ये पूरा अधूरा है। जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है इसमें क्या है कि इसका पार्ट आगे आपको बताना है, कहीं ना कहीं पैसेज में ये होगा, तो आपको क्या करना है पैसेज में सिर्फ ये की वर्ड ढूंढना है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ लो, अकॉर्डिंग टू द ऑथर द प्रेगनेंट पॉज। अब आपको जैसे ही ये देखोगे कि ऑथर के हिसाब से प्रेग्नेंट पॉज क्या है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं पैसेज में ये दिया होगा, इसका मतलब दिया होगा। तो आपको सिर्फ ये कीवर्ड अगर आपको पैसेज में मिल जाए तो आप आगे पीछे पढ़ के प्रेग्नेंट पॉज का मतलब आप जान सकते हो। तीसरा क्वेश्चन है कि पोटेंट का अपोजिट क्या है। इस वाले क्वेश्चन में क्या होता है ना कि कभी कभी हम गलती कर देते हैं, जैसे पोटेंट का मतलब हमें पता है शक्तिशाली होना, प्रबल होना होता है, तो हम क्या करते हैं ऑप्शन में मार देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि सिनोनिम्स अलग अलग मतलब में इस्तेमाल किए जाते हैं सेम वर्ड, तो हो सकता है कि जो पैसेज में इस्तेमाल किया गया हो वो अलग सेंस में इस्तेमाल किया गया हो, तो हमें ये वर्ड ढूंढ के समझ लेने की ज़रूरत होती है कि किस सेंस में इस्तेमाल किया गया है, उसके हिसाब से ही हम अपोजिट और सिनोनिम्स वगैरह बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे पूछा गया है गॉज का जो है सिनोनिम्स क्या होता है, तो सेम फंडा सिनोनिम सेंटोनिम में हम हमेशा लगाते हैं कि एक बार वो वर्ड देख लेते हैं कि किस सेंस में इस्तेमाल हुआ है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें इन वर्ड्स के मतलब पता ही नहीं होते, लेकिन अगर हम सेंटेंस पढ़े तो सेंटेंस के हिसाब से मतलब समझ में आ जाता है, तब भी हम इनके जवाब दे पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरीके से है, साइलेंस सीम टू बी द एसेंस ऑफ। ये भी समझ में आ रहा है कि ये अधूरा है, कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा कीवर्ड जो होगा साइलेंस सीम्स टू या फिर द एसेंस ऑफ, इनमें से कोई ना कोई कीवर्ड आपको पैसेज में कहीं मिल जाएगा। तो आप क्या करते हैं, चलिए ढूंढते हैं। आप चाहे नीचे से ढूंढिए चाहे ऊपर से ढूंढिए, अगर आप पैसेज को भी पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं ये कीवर्ड अगर आपके दिमाग में आ जाएगा, साइलेंस कैन, प्रेग्नेंट पॉज, तो आप पोटेंट और गॉज और ये सारा का सारा अगर थोड़ा सा आप दिमाग में डाल लोगे, फिर उसके बाद अगर पैसेज पढ़ते चले जाओगे तो आप एक एक करके जवाब देते चले जाओगे। यहाँ पे क्या है कि मैंने साइड बाय साइड लिखा है तो आपको आसानी से दिख जाएंगे, लेकिन एग्जाम में ये एक पैराग्राफ इस तरीके से दिया रहता है, क्वेश्चन नीचे दिया रहता है, फिर एक के बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, एक साथ इस तरीके से नहीं दिया रहेगा, तो वहाँ पर थोड़ा टाइम किल होता है। तो आप अगर प्रैक्टिस करके जाओगे तो वहाँ पर आसानी से हो जाएगा। तो चलिए इनके जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में करने के बजाय जो है हम सीधा यहाँ से स्टार्ट ही कर लेते हैं। एट फर्स्ट साइज साइलेंस वुड सीम टू बी, साइलेंस वुड सीम टू बी, यहाँ देखिए पांचवा क्वेश्चन है, साइलेंस सीम्स टू बी। अब आपको पता चल गया कि अच्छा यहाँ पे इसका जो है हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं, इसको ढूंढ सकते हैं। साइलेंस सीम्स टू बी द एसेंस ऑफ, साइलेंस वुड सीम टू बी द एसेंस ऑफ नॉन कम्युनिकेशन, ये आपका की वर्ड है जो अब आपको सोल्यूशन में ढूंढना है। अब यहाँ पे नॉन कम्युनिकेशन दिया हुआ है तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। अब इसके आगे के क्वेश्चन के लिए या तो हम अलग अलग जैसे कीवर्ड्स है सबके वो ढूंढे पैसेजेस में ऊपर नीचे जा जाके, तो ऐसे क्या करना पड़ेगा, हमें 4-5 बार पैसेज को खंगालना पड़ेगा। तो हम इसके बजाय क्या करते हैं कि एक सीक्वेंस से पैसेज को पढ़ते हैं और जो जो कीवर्ड्स मिलता जाएगा उन क्वेश्चंस के जवाब देते जाएंगे। तो चलिए पढ़ लेते हैं। येट वी नो दैट इन सम सर्कमस्टांसेज साइलेंस कैन स्पीक वॉल्यूम्स, इट इज ऑल्सो ए पोटेंट टूल इन द कम्युनिकेशन टूल बॉक्स। यहाँ पे आपको जैसे ही पोटेंट मिलेगा आपको याद आएगा कहीं ना कहीं इसका सिनोनिम्स या फिर अपोजिट वगैरह पूछा गया था, तो आप क्वेश्चन में पलट के देख लोगे कि द अपोजिट ऑफ पोटेंट पूछा गया है। तो यहाँ पे कुछ खास आपको सेंटेंस से पता नहीं चलेगा पोटेंट का मतलब क्या है, अगर पोटेंट का आपको पहले से मतलब पता है तभी आप जवाब दे पाओगे, अदरवाइज नहीं दे पाओगे। तो पोटेंट का मतलब होता है प्रबल, तो इसका वीक जो होगा अपोजिट हो जाएगा। फिर इसके आगे पढ़ेंगे, फॉर द स्पीकर एज इट एड्स इम्फेसिस टू पॉइंट अलाउिंग टाइम फॉर इट्स फुल सिग्निफिकेंस टू सिंक इन, हैंडल्ड स्किलफुली इट कैन बिल्ट अप एंटिसिपेशन फॉर वॉट इज टू कम द प्रेगनेंट पॉज। जैसे आप प्रेगनेंट पॉज आपको मिलेगा, ये कीवर्ड आपको मिल जाएगा, आपको दूसरे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि ऑथर के हिसाब से प्रेगनेंट पॉज क्या है, तो आप क्या करोगे कि यहाँ से यहाँ तक दोबारा पढ़ लोगे और ढूंढ लोगे कि इस पूरे सेंटेंस में क्या कीवर्ड है और आपके ऑप्शन में क्या है। तो हैंडल्ड स्किलफुली इट कैन बिल्ट अप एंटिसिपेशन, बिल्ट अप एंटिसिपेशन यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे आपके जो ऑप्शन है बिल्ट अप एंटिसिपेशन आपका एक कीवर्ड दिया हुआ है, तो आपका ये पार्ट सही हो जाएगा। तो इस पैसेज में आपको कीवर्ड के थ्रू करना है। अब चलिए आगे थोड़ा पढ़ते हैं, इट गिव्स अपॉर्चुनिटी टू मेक आई कॉन्टेक्ट विद द ऑडियंस एंड गॉज दियर रिएक्शन। तो यहाँ पे आपको गॉज मिला जो आपको बताना सिनोनिम, तो गॉज का मतलब बेसिकली क्या होता है कि मिजर करना किसी चीज़ को, तो यहाँ पे रिएक्शन मिजर करना है, तो इसका जो है सिनोनिम दिया हुआ पार्ट थर्ड में मिजर करना।
इट इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द टाइमिंग ऑफ वंस डिलीवरी फॉर द लिसनर. जैसे ही फॉर द लिसनर देखोगे आपको याद आएगा, अरे पहला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड था. साइलेंस कैन बाय टाइम, साइलेंस कैन आगे कुछ दिया नहीं था, ये पूछा था, तो बाय टाइम इसका ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहां से आपको ऑप्शन मिल जाएगा. तो आपके पांचों क्वेश्चन के आपके जवाब मिल गए और आपको क्या है पैसेज के मतलब समझने नहीं पड़े. अब देखो एक कंफ्यूजन क्या होता है एग्जाम में कि कौन सा ऐसा पैसेज है जिसको हम पूरा पढ़े और कौन सा ऐसा पैसेज है जिसको हम अधूरा पढ़े. ये जब एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लोगे तभी आपको समझ में आएगा. जैसे इसमें हमने पहले क्वेश्चन पढ़ लिया तो आपको समझ में आ गया क्वेश्चन में कि आधा दिया हुआ है आधा पूछा है, जो कि सीधे सीधे आपको पैसेज में मिल सकता है. और अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बने जिसमें आपको समझ में आए कि यहाँ हमको पैसेज की मीनिंग समझ में आएगी तभी हम बता पाएंगे, तो ऐसे केसेज में पैसेज को 2 से 3 बार रीडिंग मारनी पड़ती है, उसकी हिडन मीनिंग समझनी पड़ती है. तो ये टाइप 2 की कैटेगरी में और टाइप 3 टाइप 4 की कैटेगरी में आता है. तो सबसे पहले टाइप 2 की कैटेगरी की आज बात करेंगे जिसमें जो ऑप्शन होते हैं ना वो क्लोज होते हैं. जैसे यहां पे मीजर दिया हुआ है, वीक दिया हुआ है, तो कुछ इस तरीके से अगर सिमिलर वर्ड दे दिए जाए तो उनके ऑप्शंस हम टिक मारने में गलतियां करते हैं, तो ये टाइप 2 में आता है. तो अगला पैसेज चलिए देखते हैं. ये टाइप 2 का जो है एक पैसेज है. इस तरीके के पैसेज क्या होते हैं कि जब आप पढ़ोगे तो आपको मीनिंग बहुत आसानी से समझ में आएगी, पर जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो उनके जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत क्लोज रखे जाते हैं, आपको हमेशा 2 में कन्फ्यूजन होने लगेगा. तो 3 क्वेश्चन ऐसे पैसेज में भी आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे जो आप निकाल लोगे. 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं SSC इस तरीके से रखती है कि आप कन्फ्यूज हो, तो वो 2 क्वेश्चन अगर आप कर गए हो तो आप पैसेज में अच्छा स्कोर कर सकते हो. तो चलिए एक बार पैसेज को पढ़ते हैं और समझते हैं और ऑप्शन को भी देखेंगे कि किस तरीके से क्लोज रखे जाते हैं. पैसेज हमारा कुछ इस तरीके से है. मेनी मैन एंड वोमेन आर सो मनी माइंडेड दैट दे डू नॉट अंडरटेक एनी सीरियस वर्क दैट डज नॉट पे. जैसे ही आप पहला सेंटेंस पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा पैसेज आसान लग रहा है. पैसेज का मतलब आप समझ लीजिए कि बहुत सारे आदमी औरत इस तरीके से होते हैं, इस तरीके मनी माइंडेड होते हैं कि वो ऐसे काम को नहीं करते हैं जिसमें उन्हें पैसा नहीं मिलता है. दे बिलीव दैट इट इज़ फुलिश टू एग्जर्ट themselves फॉर सच स्टडी एंड ब्रेन वर्क एज कैन नॉट बी कन्वर्टेड इंटू कैश. उनका ये मानना होता है, वो ये सोचते हैं कि जिस काम में पैसा ना हो उसमें समय खर्च करना, ब्रेन खर्च करना, पढ़ाई करना, वो सब का सब मूर्खता एक तरीके से. हार्ड वर्क ओनली फॉर मनी एंड देन प्लेंटी ऑफ प्ले एंड प्लेजर. पहले काम करो जो पैसा जनरेट करे, फिर उसके बाद खुशियाँ मनाओ, अयासी करो. ये उनके लाइफ का एक रूल होता है. दिस सीम्स टू बी देयर रूल ऑफ लाइफ. दे वैल्यू इंटेलेक्ट ओनली एज द की टू मटेरियल प्रॉस्पेरिटी. वो इंटेलेक्ट को वैल्यू देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये मटेरियल प्रॉस्पेरिटी का एक की है. एंड रिगार्ड पर्सनल डेवलपमेंट एज ए फैड. और पर्सनल डेवलपमेंट को एक वो फैड की तरह लेते हैं. फैड का मतलब होता है झक या फिर सनक. दिस मिजरेबल मटेरियलिस्टिक साइकोलॉजी इज़ वेरी डीप रूटेड इन ऑल क्लास ऑफ सोसाइटी. ये जो एक सोच है ना वो सभी सोसाइटी के सभी क्लास में फैली हुई है, चाहे वो रिच हो चाहे पुअर हो. ऑल सफर फ्रॉम इट. एन ओल्ड वर्किंग वोमैन कंप्लेंड टू मी ऑफ हर सन्स हैबिट. एक बूढ़ी महिला ने अपने जो है बच्चे के एक आदत के विषय में मेरे से कंप्लेन किया कि वो क्या करता है, ओकेजनली बाइंग सम चीप बुक्स एंड सैड. कि वह अक्सर करके क्या करता है कि चीप बुक्स बाई करता है. और उसका कहना था उनका कि ही वेस्ट हिज मनी ऑन बुक्स, कि वो जो है इन बुक्स पे अपना पैसा वेस्ट करता है. वी मीट मेनी पीपल हुज लाइफ्स आर स्पेंट इन ए मोनोटोनस सीसा बिटवीन देयर ट्रेड एंड देयर फ्रीवलस एम्यूजमेंट. हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं जो क्या करते हैं, मोनोटोनस का मतलब होता है डल या बोरिंग, जो बोरिंग तरीके से जो है वो ट्रेड और फ्रिवोलस एम्यूजमेंट के बीच में इधर उधर घूमते रहते हैं, मूव करते रहते हैं. तो ये पैसेज का आपको सीधा सीधा मतलब समझ में आ रहा होगा. तो जब आपके पैसेज के मतलब समझ में आए तो कोई भी टाइप हो आपको पैसेज पहले पढ़ लेना चाहिए. अब यहाँ पे अब आप क्वेश्चन देखिए. द स्टेटमेंट ही वेस्टेड हिज मनी ऑन बुक्स डिमॉन्स्ट्रेट क्लियरली. जैसे ही आप यहाँ पे आओगे ही वेस्टेड हिज मनी ऑन बुक्स डिमॉन्स्ट्रेट क्लियरली, आपको ऑप्शन मिलेगा हाउ मटेरियलिस्टिक सी कंसिडर्ड रीडिंग फ्रिवोलस. उसने कंसिडर किया कि जो पढ़ना है वो तुच्छ काम है. फ्रिवोलस का मतलब होता है तुच्छ होना किसी चीज को. तो आपको लगेगा बी पार्ट सही है. हाउ मटेरियलिस्टिक सी इज, अगर इमीडिएट अगर ऑप्शन देखोगे तो आपका बी पार्ट जाएगा, लेकिन अगर आप फाइनल कंक्लूड करोगे तो ये समझ में आएगा कि वो कितनी मटेरियलिस्टिक थी, कि पैसे उसके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था और ये मानती थी कि पढ़ना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो बुक जो है
कोई वैल्यू नहीं रखती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जाएगा वो ए जाएगा बी के बजाय। तो अगर आपको क्या होता है कि अगर इमीडिएट रिस्पांस देखना चाहोगे तो इमीडिएट रिस्पांस के हिसाब से आपका ये बी पार्ट जाना चाहिए, लेकिन अगर आप फाइनल कंक्लूड करोगे पूरे इस पार्ट को कि जहाँ से उसने बोला कि देन ओल्ड वर्किंग वोमेन कंप्लेन टू मी ऑफ हर सन्स हैबिट ऑफ ओकेजनली बाइंग सम चीप बुक्स एंड सैड ही वेस्ट हिज मनी ऑन बुक्स, तब आपको समझ में आएगा कि वो कितनी मेटलिस्टिक थी, कि वो ये बात बोल रही है कि बुक खरीदना जो है चीप काम है, वो चीप बुक बाई करता था, उसका यूज कुछ नहीं है, तो मेटेरियलिस्टिक थी। इसका ऑप्शन ए जाएगा बी के बजाय। तो इस तरीके के जो है क्वेश्चंस में हम एग्जाम में गलतियां करके आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ मोनोटोनस। वैसे हमें मोनोटोनस का मतलब पता होता है डल या फिर बोरिंग। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए, डेंजरस, इंटरप्राइजिंग, इंटरेस्टिंग, एडवेंचरस। आपको क्या लगेगा इन तीन में? आपको हमेशा लगेगा तीन में से कोई भी हो सकता है। मोनोटोनस का मतलब होता है एक तरीके से डल या बोरिंग काम करना, और यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग भी आप कंफ्यूज हो सकते हो जाएगा, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो एडवेंचरस होगा, क्योंकि मोनोटोनस का मतलब होता है डल काम करना या किसी काम को लेके है। मोनोटोनस सी सा बिटवीन दियर ट्रेड एंड दियर फ्रिवलस एम्यूजमेंट करके दिया हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, जो एंटोनिम जाएगा, वो एडवेंचरस होगा, कि वो ऐसा काम कर रहा है जिसमें एडवेंचर वगैरह है, और यहाँ पे काम को लेके है कि मोनोटेनस डल या बोरिंग है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे इसलिए डी जाएगा, तो इसमें भी कंफ्यूजन होगा। नेक्स्ट है द टर्म सी सॉ मीन्स। सी सॉ का मतलब क्या है? अब यहाँ पे देखिए, मूविंग टू एंड फॉर, मूविंग इन सर्कल्स, तो आपको ये तो सीधा पता चल जाएगा, सर्कल में मूव करने की बात नहीं है। फ्लक्चुएटिंग, चेंजिंग, फ्लक्चुएशन का मतलब होता है कि किसी दो पॉइंट के बीच में फ्लक्चुएट होना, चेंजिंग का मतलब होता है बदलना, मूविंग टू एंड फॉर, इधर उधर घूमना। तो यहाँ पे जो सीसा का मतलब होगा मूविंग टू एंड फॉर होगा, क्योंकि यहाँ पे सीसा का जो इस्तेमाल किया गया है वो इसलिए है कि ट्रेड और फ्रिवलस एम्यूजमेंट के बीच में मूव करना है, तो इधर एक जगह ना टिकना, एक जगह से दूसरी जगह इधर उधर घूमना। तो इसका जो ऑप्शन जाएगा वो ए पार्ट जाएगा, चेंजिंग नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन आ सकता है आपको। तो ये चीज़ आपको ध्यान से समझ के करना पड़ेगा, इसके लिए भी थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। आपने प्रैक्टिस कर ली तो 60-65 दिनों में आपको ये चीज़ें आ जाती है कि आप एग्जाम में क्वेश्चन टिक कर पाओ। क्वेश्चन नंबर फोर है, मनी माइंडेड पीपुल अंडरटेक सीरियस वर्क ओनली इफ। जैसे आप ये क्वेश्चन देखोगे आपको याद आ जाएगा, जो हमने पैसेज स्टार्ट किया था तो मनी माइंडेड पीपल को लेके ही स्टार्ट किया था कि वो किस तरीके के काम को करते हैं। तो वहाँ पे हमने ये देखा था कि वो उस तरीके के काम को करते हैं जिसमें पैसे इन्वॉल्व रहते हैं। तो इट इज़ वेल पेड, आपका यही ऑप्शन मिल जाएगा, ए पार्ट सही होगा। तो एक आध क्वेश्चन तो ऐसे रहते हैं हर जो है पैसेज में जो बहुत आसान रहते हैं, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए, दे रिगार्ड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एज। जैसे ही आप देखोगे दे रिगार्ड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एज, आपको याद आएगा कि ये हमने कहीं पढ़ा हुआ था, तो आपको यहाँ समझ में आएगा, दे वैल्यू इंटेलेक्ट ओनली एज द की टू मटेरियल प्रॉस्पेरिटी एंड रिगार्ड पर्सनल डेवलपमेंट एज ए फैड। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा, और फिर ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, ऑफ नो ग्रेट वर्थ ये नहीं होगा, ए मीन्स ऑफ मिजरी नहीं होगा, द की टू प्रॉस्पेरिटी ऑप्शन थर्ड है, द की टू पर्सनल डेवलपमेंट। तो प्रॉस्पेरिटी एंड पर्सनल डेवलपमेंट आप कन्फ्यूज होगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों की वर्ड है। आपको फिर से यहाँ तक का पार्ट जो है ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। दे वैल्यू इंटेलेक्ट ओनली एज द की टू मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, वो इंटेलेक्ट को कैसे रिगार्ड करते हैं, कैसे वैल्यू करते हैं एज ए मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, और पर्सनल डेवलपमेंट को फैड की तरह रिकॉर्ड करते हैं। तो पर्सनल डेवलपमेंट को रिकॉर्ड करते हैं और इंटेलेक्ट को भी रिकॉर्ड करते हैं, वैल्यू देते हैं। तो इंटेलेक्ट को कैसे देखते हैं? प्रॉस्पेरिटी की तरह, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी की तरह, और पर्सनल डेवलपमेंट को फैड की तरह रिकॉर्ड करते हैं, वैल्यू देते हैं। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को किस तरह? मटेरियल प्रॉस्पेरिटी की तरह, और पर्सनल डेवलपमेंट को फैड की तरह। तो इसको अगर आपने मर्ज कर दिया, ध्यान से समझा नहीं, तो इसके ऑप्शन में सी और डी में आप गलती कर सकते हो। तो ये पैसेज कुछ इस तरीके के होते हैं कि इनके दो ऑप्शंस या तीन ऑप्शंस बहुत क्लोज रहते हैं, जिसमें हमें ध्यान से क्वेश्चंस को करना होता है। तो ये जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे ये चीजें हम सीख जाते हैं। आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूं। मैं आपको जो है दो पैसेज आपको होमवर्क में दे रहा हूं, जिसकी पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और पेज पे मिलेगी, और इंग्लिश वाले ग्रुप में मिलेगी। तो आप वहां पे उसको जाइए, अटेम्प्ट कीजिए, और अटेम्प्ट आप इस तरीके से कीजिएगा कि उसमें दो तीन क्वेश्चन देखो फंसेंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि वो टाइप वन टाइप टू पे नहीं है, वो टाइप थ्री और टाइप फोर पे है। तो आप प्रीवियसली एक बार उसको प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर मैं उसी को यहाँ पे डिस्कस करूँगा, तो बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। सो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।